अग्निपथ या नव्या लष्करी भरती योजनेला बिहारमधून तीव्र विरोध होतोय। बिहारच्या 15 अधिक शहरांमध्ये आज हजारो तरुण रस्त्यावर उतरलेत, तर वर्षाला 45,000 जवानांची भरती केली जाईल आणि 4 वर्षांनी केवळ 25% जवानांना कायम केलं जाईल अशी ही योजना आहे। मात्र ज्या 75% जवानांना कायम केलं जाणार नाही त्यांना पेन्शन आणि ग्रॅज्युटी काहीच मिळणार नाही। आणि नेमका यालाच तरुणांचा विरोध आहे, कारण लष्करी भरती दरवर्षी होते पण या नव्या योजनेमुळे कायमस्वरूपी जवानांची भरती पूर्णपणे बंद केली जाणार आहे, त्यामुळे यूपी आणि बिहारमधले तरुण आता बिथरले। तर ही 4 दृश्य आपण पाहू शकतोय, तरुण रस्त्यावर उतरून त्यांनी चक्क बसची तोडफोड केली आहे, रेल्वेवर दगडफेक केली आहे, तर दुसरीकडे टायरची तसंच रेल्वेची जाळपोळ करण्यात आली आणि या सगळ्या परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी पोलिसांना सुद्धा अश्रुधुरांचा मारा करावा लागलाय। आपण पाहू शकतोय ही 2 महत्त्वाची दृश्य या ठिकाणी आपण पाहतोय, एकीकडे पोलिसांना या आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुराचा मारा करावा लागलाय, तर दुसरीकडे चक्क रेल्वेची जाळपोळ या तरुणांनी केली आहे, बसची तोडफोड केली आहे, शिवाय दगडफेक करत हे तरुण रस्त्यावर उतरले। हम लोग को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी होगी, कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा, क्योंकि उसमें 8 महीना तो 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा, तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे, 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधर रहा है। ये आपको निर्णय वापस लेना होगा, अगर हम लोग पावर है सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। सड़क पर हम लोग इसलिए उतरे सर कि आर्मी एयरफोर्स नेवी का सभी का 4 साल जॉब कर दिया गया सर, अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे, हम लोग का इतना बैकग्राउंड नहीं घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे कंपनी में जॉब करेंगे, बाप माता पिता का सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे, 4 साल के बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे।